हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल इन्वेस्टमेंट का बाजार और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं LIC के ऊपर, क्योंकि दोस्तों आज LIC IPO मार्केट में लॉन्च हो चुका है और जो लिस्टिंग है वो काफ़ी ठंडी पड़ती हुई देखने को मिली है। लेकिन मार्केट का जो रिएक्शन पड़ता हुआ देखने को मिला है, आप कह सकते हैं कि निफ्टी लगभग ट्रिपल सेंचुरी लगा चुका है आज। जी हाँ दोस्तों, निफ्टी में ट्रिपल सेंचुरी लग चुकी है, आप देख सकते हैं LIC के IPO की लिस्टिंग के बाद। तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि LIC के IPO के बाद मार्केट में जो लिक्विडिटी फैक्टर था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन होता हुआ देखने को मिला है। उससे आप देख सकते हैं मार्केट पूरा जो ट्रेंड था वो रिवर्स होता हुआ देखने को मिल रहा है और जो स्टॉक्स आपको करेक्शन में आते हुए देखने को मिले थे वही स्टॉक्स अब रैली करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली मार्केट्स के लिए आज काफ़ी अच्छा दिन था, बट LIC के लिए आज काफ़ी ख़राब दिन था। आप देखिए, अनुमान था कि लिस्टिंग नीचे होगी, लेकिन दोस्तों डेफिनेटली इतना भी अनुमान नहीं था कि दोस्तों लगभग 8% की कमज़ोर लिस्टिंग हो जाएगी स्टॉक के अंदर। और स्टॉक के वैल्यूएशन आपको पता ही होगा, अगर अपन करंट मार्केट कैपिटल भी देखें तो लगभग 5,58,000 करोड़ की करंट कंपनी की मार्केट कैपिटल चल रही है। 21,000 करोड़ कंपनी ने रेस किए थे। तो डेफिनेटली दोस्तों आप कह सकते हैं कि जो IPO था वो फुल्ली सब्सक्राइब था, लेकिन आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा निराश करता हुआ देखने को मिला इन टर्म्स ऑफ लिस्टिंग या IPO। देखिए दोस्तों, अभी करंटली मार्केट्स 316 पॉइंट्स की तेज़ी कर रहा है। लगभग अपन देखें तो हर इंडेक्स में 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है, जो कि आप कह सकते हैं कि डेफिनेटली एक बहुत अच्छा सिग्नल है बाकी शेयर होल्डर्स के लिए। लेकिन LIC की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं एक्टिव बाय वॉल्यूम में तीसरे पायदान पर ये शेयर आता हुआ देखने को मिल रहा है। 880 रुपये करंटली शेयर का प्राइस चल रहा है। और दोस्तों मेरी यही सलाह है कि अभी आप इस शेयर को जाने मत दीजिए, ये काफ़ी अच्छा लेवल है। इस लेवल पे आप स्टॉक को डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जिस लेवल्स पर अभी ये शेयर मिल रहा है 900 के नीचे जब तक ये शेयर है तब तक आप कह सकते हैं कि इसके वैल्यूएशन काफ़ी कम है। और अभी आने वाले आप कह सकते हैं कि 6 से 8 महीने अगर मार्केट में ऐसी रिकवरी चलती हुई देखने को मिली तो डेफिनेटली 900 का 1300-1400 कब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और डेफिनेटली कंपनी इतनी शानदार है, कंपनी के वैल्यूएशन इतने सही है, प्लस दोस्तों आपने सुना ही होगा क्या बोलते हैं, कंपनी के जो मार्केट कैपिटल है वो 5,58,000 करोड़ है, जो बाकी के पीयर कंपनीज है उन सबको भी ऐड कर ले तो इतनी मार्केट कैपिटल किसकी नहीं है। हर सिटी में दोस्तों LIC की ब्रांच है और डेफिनेटली इतने टाइम वो 27 सालों से आई थिंक बिजनेस चलता हुआ आ रहा है LIC का, जो कि कभी रुकने नहीं वाला। और डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि LIC IPO में अगर आपको IPO नहीं मिला है और अगर आप अभी निवेश करना चाहते हैं आने वाले 1 से 2 सालों के नज़रिए से, आप डेफिनेटली इस शेयर में खरीदारी करके चल सकते हैं। एंड अब अगर बात कर ले दोस्तों स्टॉक की दिन की रेंज की, तो 860 का स्टॉक का इंट्राडे का लो है और वहां से अच्छी रिकवरी आती हुई देखने को मिली। लगभग 918 तक शेयर जाता हुआ देखने को मिला। और आपने देखा ही होगा दोस्तों, स्टार्टिंग में लो लगभग दोस्तों 7.5% का होता है और जैसे IPO लिस्ट होता है आपको एक मौका मिलता है, लगभग 915 तक जाता है। और डेफिनेटली 915 तक जिसने भी जो भी पॉलिसी होल्डर था जिसको IPO मिला था डेफिनेटली उसको प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिला होगा। और डेफिनेटली अगर आपको अभी प्रॉफिट नहीं मिला है तो होल्ड करके चलिए, IPO ऐसा नहीं है जो आपको लॉन्ग टर्म तक लॉस करवाएगा। जैसे जैसे कंपनी के नतीजे आएंगे वैसे वैसे आप कह सकते हैं कि डेफिनेटली ये जो IPO है वो आपको काफ़ी बढ़िया रिटर्न देता हुआ देखने को मिलेगा। एंड अब अगर बात कर ले दोस्तों LIC IPO की मैक्वायरी पर, एक रिपोर्ट निकल कर आई है, मैक्वायरी ने न्यूट्रल रेटिंग दी है दोस्तों आप कह सकते हैं कि LIC को। और आप देख सकते हैं मैक्वायरी सुरेश गणपति स्टार्ट्स कवरेज ऑन LIC विथ न्यूट्रल रेटिंग। और टारगेट की मैं अगर बात कर लूँ तो आप देख सकते हैं ब्रोकरेज फर्म मैक्वायरी सिक्योरिटीज इंडिया हैज इनिशिएटेड कवरेज ऑन द शेयर्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस विद अ टारगेट ऑफ 1,000। जी हाँ दोस्तों, ब्रोकरेज फर्म ने लगभग 1,000 रुपये का टारगेट दिया है और 949 रुपये का प्राइस बैंड था। और आप कह सकते हैं कि जो भी पॉलिसी होल्डर था उसको अच्छा डिस्काउंट मिलता हुआ देखने को मिला। और आई थिंक सो सुबह सुबह अगर आपने लिस्टिंग गेन के सबसे लगाया था तो छोटा मोटा मौका मिल गया होता आपको लॉस बुक, आप कह सकते हैं कि फ्लैट में बुक होने का। बट डेफिनेटली अगर आपके पास ये शेयर आया है तो इसको होल्ड करिए, क्योंकि कंपनी लाजवाब है। आप सभी ने ऐसी कमेंट्री तो न्यूज़ चैनल्स पर, फाइनेंशियल न्यूज़ चैनल्स पर सुनी ली होगी। डेफिनेटली मेरी भी यही सलाह है कि इस स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए आने वाले 3 से 4 साल, या फिर अगर आप बात करें तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि 1050 से 1030 तक का लेवल आपको ये शेयर डेफिनेटली दिखा सकता है। एंड अब अगर बात कर ले दोस्तों इसकी वॉल्यूम की, तो अभी लगभग दोस्तों 2 बजे का समय और 2 बजे लगभग 4 करोड़ की वॉल्यूम इस शेयर में देखने को मिल रही है। और डेफिनेटली जिस हिसाब से आप कह सकते हैं कि वॉल्यूम बेसिस पर कामकाज हो रहा है, कल जब आंकड़े सामने आएंगे कि किस किस फर्म ने, किस किस फंड हाउसेज ने इसके अंदर बाइंग करी, तो डेफिनेटली एक अच्छा पॉजिटिव अट्रैक्शन LIC के इस शेयर में देखने को मिल सकता है। एंड अब अगर बात कर ले मार्केट डेप्थ की, तो अभी करंटली मार्केट वाइज अगर अपन डेप्थ देखें तो मार्केट वाइज डेप्थ अभी जो है वो सेलिंग का इनिशिएशन दिखा रही है, क्योंकि 4,63,000 ऑर्डर्स बाइंग साइड पर है और लगभग 15,56,000 ऑर्डर्स
सेलिंग साइड पर। तो डेफिनेटली अभी थोड़ा सेलिंग प्रेशर है, लेकिन ये सेलिंग प्रेशर दोस्तों मुझे लगता है कि 470 रुपये का जो लेवल है वहां तक रुकता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि 470 रुपये अभी स्टॉक ने इंट्राडे में एक ट्रेंड लाइन बना लिया। अगर 470 रुपये के नीचे शेयर जाता है तो थोड़ी बिकवाली बन सकती है, बट डेफिनेटली 470 से स्टॉक डेफिनेटली ऊपर आ सकता है। एंड अगर बात कर ले कंपनी की मार्केट कैपिटल की, तो आप देख सकते हैं 558,000 करोड़ की कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन है अभी करंटली। और जैसे जैसे आप देख सकते हैं कि मार्केट में दिन बढ़ते जाएंगे और जैसे जैसे आप देख सकते हैं कि मार्केट में तेज़ी होती जाएगी, वैसे वैसे तो कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन से वो बढ़ती जाएगी। और पूरे स्पेस में आप देख सकते हैं नंबर वन कंपनी है ये। जी हाँ दोस्तों, LIC इंडिया इसका नाम है। और डेफिनेटली आप कह सकते हैं काफ़ी हर घर में एक LIC तो डेफिनेटली होती ही होती है, और काफ़ी सारे लोग LIC में अभी भी भरोसा रखते हैं। तो डेफिनेटली कंपनी का जो आउटलुक है वो तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, प्लस कंपनी का जो PAT है वो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, प्लस कंपनी के पास इतना सारा आप कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ है हर सिटी में, हर स्टेट में। तो डेफिनेटली कंपनी तो लाजवाब है। एंड अब अगर बात कर ले टेक्निकल्स की एंड चार्ट्स की, तो आप देख सकते हैं चार्ट पर एक लेवल मुझे बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि सपोर्टिव लगा है, जो कि 470 का शेयर मैक्स, 870 का माफ करेगा, 870 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर मैक्स टू मैक्स 870 रुपये तक का लेवल, जी हाँ दोस्तों 870 रुपये के लेवल के शेयर नीचे नहीं जाएगा। मैक्स टू मैक्स जो गिरावट होगी वो 870 से होगी, एंड देन फिर रिकवरी होगी। अगर आज का अगर लेवल देखे तो आज इसने एक रेंज में कामकाज किया है जो कि है दोस्तों 870 से 900 रुपये। अगर 870 से 900 रुपये के लेवल जो है वो टूटते हुए देखने को मिलेंगे, तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि एक ब्रेकआउट आता हुआ देखने को मिलेगा। एंड जो ब्रेकआउट है वो फिर 920, 940 एंड 1000, ये अल्टीमेट टारगेट्स आपको इस शेयर में आते हुए देखने को मिलेंगे अगर ये जो लेवल से वो डेफिनेटली अगर शेयर तोड़ता हुआ देखने को मिले। क्योंकि जिस हिसाब से आप देख सकते हैं वॉल्यूम आ रही है, जिस हिसाब से सरकार एक्टिव है इसका IPO से रिलेटेड, तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव अट्रैक्शन इस शेयर में बनता हुआ देखने को मिल सकता है। और जिसको भी ये IPO मिला है, मेरी यही सलाह कि आप पैनिक ना करिए, आने वाले 6 से 8 महीने में देखिएगा शेयर का भाव क्या होता है। आने वाले 6 से 8 महीने में डेफिनेटली जो शेयर का भाव है वो 1100 से 1200 तक मिनिमम जा सकता है। तो दोस्तों जिसको भी IPO मिला है, मेरी यही सलाह है कि होल्ड करने की मेरी सलाह होगी। 1 से 2 हफ्ते अगर आप लिस्टिंग कहीं से लगाए तो 1 से 2 हफ्ते आप देखिए, 1 से 2 हफ्ते में अगर ये 900 का जो लेवल है उसको तोड़ देगा और उसके ऊपर टिक जाएगा, तो डेफिनेटली आपके प्राइस के ऊपर ये शेयर जाता हुआ देखने को मिलेगा और आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इस IPO में होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों दैट्स इट फॉर वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।